दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 2 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं बिहार में पंचायत चुनाव के बारे में। तो बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार मुखिया और सरपंच की मनमानी को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके साथ ही साथ इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जिस खबर के अनुसार आयोग ने साफ कर दिया है कि वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर की दूरी के बाद ही कोई बूथ बनाया जा सकता है। जिस मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर मतदान केंद्र नहीं होगा। जिस अगर कोई केंद्र है तो फिर उसे जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार चुनाव आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए 5 जुलाई 2021 तक सभी पंचायतों के चुनाव के चरण बताने को कहा गया है। जहां साथ ही साथ बूथों का निर्धारण करने के आदेश दिए गए हैं। जहां इसको लेकर आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है और चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। जहां मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त से सितंबर महीने में पंचायत चुनाव का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार की मौसम के बारे में। तो जून महीने में मानसून की एंट्री से पहले ही बिहार में बारिश हो रही थी और पूरे जून महीने बारिश का यह सिलसिला जारी रहा। जब बीते 2 से 3 दिनों में मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जब मौसम विभाग ने जो ताजा अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक उत्तर बिहार के जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूरे बिहार में कल से ही भारी बारिश का दौर जारी है। जब बिहार में सबसे अधिक बारिश गौनाहा में 210 मिलीमीटर हुई है, त्रिवेणी में 130 मिलीमीटर, डेंग ब्रिज में 120 मिलीमीटर, रामनगर में 90 मिलीमीटर और बैरगनिया में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। जी मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। जी इधर बिहार के पूर्वी और उत्तरी भाग में लगातार बादल बढ़ रहे हैं। जी साथ ही उत्तर बिहार की ओर से मानसून की अक्षीय रेखा गुजर रही है। इस वजह से अगले 72 घंटे में उत्तर बिहार और हिमालय की तलहटी से जुड़े जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जी बिहार के भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जहां अगले 24 घंटे में बारिश और वज्रपात की तीव्रता में और बढ़ोतरी होगी। जहां मौसम विभाग ने इन 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति 2 जुलाई तक रह सकती है। दोस्तों बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का दावा सरकार हमेशा करती है। जहां इसके लिए निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी इसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हो रहा है। जहां इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल की, जहाँ 6 महीने से एम्बुलेंस खराब है। यह जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए एम्बुलेंस को चलाया जा रहा है। एम्बुलेंस स्टार्ट करने के लिए परिजन धक्का लगाते नजर आते हैं। जहां बिहार के सुपौल में स्वास्थ्य विभाग की इमरजेंसी सेवा जुगाड़ के सहारे चल रही है। जो की जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 6 महीने में 3 बार पत्र लिखे जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर गंभीर नहीं है। परिजनों द्वारा एम्बुलेंस को धक्का दिए जाने की यह तस्वीर निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल की है, जहां 6 महीने से एम्बुलेंस खराब पड़ा हुआ है। इसे देखने वाला कोई नहीं है। जब कभी भी मरीज को एम्बुलेंस से ले जाना होता है, तब इसे स्टार्ट करने के लिए परिजनों को धक्का लगाने पड़ते हैं। आप सोचिए, यदि मरीज की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए और इमरजेंसी के वक्त मरीज के साथ कोई ना हो तो इसे स्टार्ट करने में कितनी परेशानी होगी। दोस्तों पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में लगातार कटाव जारी है और महानंदा, कनकई और परमान नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से नदी किनारे रहने वाले लोगों के घर कट रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं कटाव के कारण दहशत में रह रहे लोग रात में जागकर रात काट रहे हैं। जहां परमान नदी के कटाव की वजह से हाथीबंदा गांव में कटाव से अभी तक 100 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो चुके हैं। यानी कि 100 से ज्यादा परिवार घर बार छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कटाव का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन कटाव निरोधक काम नहीं होने से एक ही परिवार को कई बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकारी नुमाइंदों और जनप्रतिनिधियों की उदासी को भी बड़ा कारण बताया है। दूसरी तरफ बायसी के वर्तमान विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन ने कहा कि बायसी विधानसभा में बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर सदन में अपनी बात रखी है, लेकिन इसके अस्थायी निदान पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है।
दोस्तों जुलाई महीने का आज दूसरा दिन है जिसे मानसूनी महीना भी कहा जाता है। इस महीने में लगभग देश भर में मानसून बारिश की बौछारे पड़ती है जिनसे मौसम भी खुशनुमा रहता है। जून की छुट्टियों के बाद कामकाज के हिसाब से भी जुलाई काफी मायने रखता है क्योंकि रुके हुए सब काम इसी महीने में कराना उचित समझते हैं। जी अगर आपका कोई बैंक में काम रुका हुआ है तो फिर पहले छुट्टियों के बारे में जरूर जान लें क्योंकि इस महीने 15 दिन बैंकों में ताला लटका रहेगा। जी RBI की ओर से बैंकिंग छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें सभी राज्यों के हिसाब से छुट्टियां दी गई है। जुलाई 2021 में बैंकरों के त्योहार के लिए 9 छुट्टियां रहेगी। इसके अलावा 6 छुट्टियां शनिवार और रविवार को होगी तो कुल मिलाकर 15 दिनों की छुट्टी होगी। आपको बता दें कि 9 छुट्टियां राज्यों के हिसाब से होगी तो सभी जगहों के बैंक बंद नहीं रहेंगे। जिस राज्य में छुट्टी होगी सिर्फ वहां के बैंकों में कामकाज नहीं होगा। दोस्तों आम जनता के लिए राहत की खबर है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच दालों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। जहां सबसे ज्यादा गिरावट उड़द और चने की दाल की कीमतों में देखने को मिली है। लेकिन आपको झटका तब लगेगा जब इसी वीडियो में आपको बाद में बताया जाएगा महंगाई के बारे में कि किन किन चीजों के दाम और भी बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। तो चने दाल की कीमतों के बारे में बात करें तो अप्रैल महीने में चने दाल की कीमतों में रिकॉर्ड लेवल से 20% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा उड़द की कीमतों में 20% से अधिक की गिरावट आई है। आपको कि कोरोना महामारी में मांग में कमी आने की वजह से दालों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। हाजिर चना की कीमतें MSP के स्तर पर 5100 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे आ गई है। दोस्तों बिहार में 1 जुलाई से 3 माह के लिए बालू खनन पर रोक लगाई गई है। जी हां बिहार में आगामी 1 जुलाई से 3 माह के लिए बालू खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार बिहार में बालू खनन को लेकर नई दरें लागू कर सकती है। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई दरों को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल बालू खनन के लिए निर्धारित दर 7 माह तक ही वैध है। इसके साथ ही कुछ जिलों के बालू घाटों के नए सिरे से बंदोबस्त की जाएगी। यह विभाग को पहले से बंदोबस्त किए गए करीब 300 नदी घाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने का इंतजार है। यह विभाग को उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले ही पर्यावरण स्वीकृति मिल जाएगी। जी हां वहीं नई दरें लागू होने के बाद बालू की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हां अगले 3 माह तक बालू खनन का काम बंद रहेगा। ऐसे में बालू की कमी ना हो इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों भारत में धार्मिक सौहार्द को लेकर रिसर्च सामने आई है लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत में आज भी धार्मिक सौहार्द का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें रिलीजन फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर क्या कहा गया है। तो इस रिसर्च के नतीजे कहते हैं कि भारत में सभी धर्मों के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि यहां धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरीके से बरकरार है यानी कि धार्मिक आजादी पूरी तरीके से बरकरार है। 91% हिंदू मानते हैं कि वे अपने धर्म का पालन करने के लिए खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। 85% हिंदू मानते हैं कि एक सच्चे भारतीय की पहचान है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करें और 80% हिंदू मानते हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा 89% मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि वे अपने धर्म का पालन करने के लिए खुद को आजादी महसूस कर रहे हैं, स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। और इतने ही ईसाई मानते हैं कि वे अपने धर्म का पालन करने के लिए भारत में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसके अलावा 82% सिख, 93% बौद्ध और 85% जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी रिसर्च में ये बताया गया है कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर अपने त्योहार को मनाते हैं। दोस्तों आम जनता पर एक और महंगाई की मार पड़ी है। जी हां पेट्रोल डीजल की महंगाई से ट्रस्ट लोगों को सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को झटका देने का काम किया है। जी हां तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है। जी हां इस नई बढ़ोतरी की बात करें तो इसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर जहां 25 रुपए महंगा हो चुका है वही कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 76 रुपए की बढ़ोतरी की हुई है। दोस्तों अगर आप बिहार में रहते हैं तो फिर आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आज से बिहार में बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से यह कार्रवाई राजधानी पटना सहित आसपास के कई क्षेत्रों में की जाएगी। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपने 30 जून तक का बिजली का बिल नहीं जमा कराया है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार फिलहाल ये कार्रवाई अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं की जाएगी। बाढ़ग्रस्त इलाके के अतिरिक्त बिजली का बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं पर अब बिजली विभाग कार्रवाई शुरू करेगा। बिजली विभाग ने
से घरों के कनेक्शन काटने की रणनीति तैयार की है। बताया जा रहा है कि अब बिहार में औसतन बिलिंग की जगह दोबारा रीडिंग करके उपभोक्ताओं के घर पर बिजली का बिल भरने की व्यवस्था की गई है। देश कोरोना संकट की मार झेल रहा है और अब कोरोना का असर बिजली विभाग में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोरोना क्राइसिस के बाद बिहार में अब तक बिजली कनेक्शन पर 30% तक की गिरावट आ चुकी है। लोग कोरोना के डर की वजह से बिजली का बिल जमा करने नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 22 रूटों पर 88 बसें चलाने जा रही है, जहां इसको लेकर परिवहन निगम के द्वारा तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार इसके लिए रूट का निर्धारण कर लिया गया है। इन बसों के चलने से यात्रियों को काफी लाभ होगा तथा यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, बिहार के पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई प्रमुख शहरों के बीच इन बसों का परिचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि इन बसों का परिचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी के तहत किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। निगम ने बसों के संचालन करने को इच्छुक वाहन मालिक, उद्यमी संस्था या फिर कंपनी से आवेदन की मांग की है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने बुधवार को पटना में कोविड-19 के खिलाफ स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खुराक ली है। ये दो विपक्षी नेता पिछले एक महीने से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के निशाने पर थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और प्रवक्ता राम सागर सिंह ने वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं रखने के लिए उन पर हमला किया था। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने कंकड़बाग में स्थित पटना के मेदांता अस्पताल में जाकर स्पुतनिक वी की पहली खुराक ली है। मेदांता बिहार का पहला अस्पताल है जिसके पास विदेशी वैक्सीन है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कहा कि अच्छा है कि वैक्सीन ले ली, लेकिन लालू प्रसाद और राबड़ी देवी वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं। यह तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार में टीकाकरण की धीमी गति के लिए नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा था। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम 70% तक पूरा होने के बाद ही वे वैक्सीन लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव हाल फिलहाल में ही वैक्सीन ले ली है। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होगी जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति से रंगदारी की मांग करते हैं और रकम नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी देते हैं। वहीं गया से अपने आप में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने ही बेटी से रंगदारी की मांग कर डाली। जहां इतना ही नहीं, जमीन के लिए वे लगातार अपनी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। बीते दिनों हद पार करते हुए सन की पिता ने बेटी सहित अपनी नातिन पर भी हमला कर दिया। इस सनसनीखेज खबर से आस पड़ोस सहित पुलिस भी हैरान है। जमीन के लिए इंसान कैसे कैसे एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है, इस वीडियो को देखकर आपको पता लग गया होगा। यह खबर है गया जिले के मदम मेडिकल थाना क्षेत्र के नीमा गांव की। यहां के निवासी भुवनेश्वर यादव पर उनकी ही बेटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर में पूनम ने इस बात का जिक्र किया है कि जमीन के लिए उनके पिता ने कई बार उनसे मारपीट भी की है। यह इतना ही नहीं, भुवनेश्वर यादव ने बेटी दामाद से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिले के कुनवा चैनपुर में बिहार नेपाल सीमा में पिछले 26 जून को बरामद किए गए 8 विदेशी यानी कि चीन में बने हुए ड्रोन कैमरे के मामले की जांच के क्रम में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में एनआईए और सीबीआई के अधिकारियों ने एसएसबी के अधिकारियों से फोन पर संपर्क करके जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि जांच के क्रम में स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने भी गुपचुप तरीके से बॉर्डर का दौरा करके भी मामले की पड़ताल की है। बताया जाता है कि ड्रोन कैमरे के साथ पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के इंस्पेक्टर गोविंद लाल ने बताया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य जांच एजेंसियों को पूरे करने के मामले में जानकारी दी गई है। वैसे स्थानीय पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने कुछ नहीं बताया। आपको बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के हमले के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। ऐसे में भारत नेपाल बॉर्डर से ड्रोन कैमरे की जब्ती होने से हरकंप मचा हुआ है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। जहां एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीने में रोजमर्रा की तमाम चीजों के दाम 30 से 40% तक बढ़े हैं। जहां साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट के अलावा वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती, खाद तेल, कैचअप, जैम, नूडल्स, बेबी फूड आदि चीजों के दाम भी बढ़े हैं। जहां वही अमूल ने 1 जुलाई से यानी कि अमूल दूध ने 1 जुलाई से दिल्ली NCR के साथ साथ अहमदाबाद और गुजरात के सौराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की वजह से MRP में 4% तक की बढ़ोतरी होती है।
दोस्तों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो गई। जी हां, जीतन राम मांझी ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। अमित शाह के साथ मांझी की मुलाकात बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से भी हुई। जीतन राम मांझी पिछले दो दिनों से अमित शाह से मुलाकात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला था। खुद उनके बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने यह बताया था कि बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। जहां अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। मांझी ने लिखा है कि न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की मांग सहित बिहार के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर मांग। गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी से भी सफल मुलाकात हुई। आशा है कि हमारी सभी मांग जल्द ही पूरी होगी। दोस्तों बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद प्रवासी मजदूर फिर से अपने अपने काम पर लौटने लगे हैं। जहां काम की तलाश में प्रदेश जाते मजदूरों की भीड़ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी देखने को मिल रही है। जहां खास करके मिथिलांचल सीमांचल और कोसी इलाकों के कामगार बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। जहां सरकार का दावा है कि सभी को रोजगार मिलेगा, लेकिन सवाल यही कि रोजगार मिले तो कैसे मिले। जहां नए उद्योग लगे नहीं है, जो पुराने उद्योग है वह भी बंद की कगार पर है। कामगारों के अनुपात में सरकारी योजनाओं से कम ही रोजगार मिल पा रहे हैं, लिहाजा प्रवासी मजदूर रोजगार के लिए परेशान हैं। जब प्रदेश में बाढ़ की स्थिति ने उनकी समस्या को और गंभीर बना दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार में कभी उद्योग धंधा था ही नहीं। यहाँ तो चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, सूत और सिल्क उद्योग का जाल बिछा हुआ था, लेकिन योजनाओं के चयन में गलती, भ्रष्टाचार तथा उचित देखरेख के अभाव के चलते इनकी स्थिति खराब होती चली गई। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई सालों तक देश के कुल उत्पादन का 40% चीनी बिहार में होता था। दरभंगा की सकड़ी लोहटा रयाम चीनी मिल, पूर्णिया की बनमखी चीनी मिल, सिवान की एसकेजी सुगर मिल, समस्तीपुर की हसनपुर चीनी मिल, मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल जैसे कि कई चीनी मिलें थी जो एक एक करके बंद हो गई। जहां स्थानीय समस्याओं और राजनीति के कारण पूर्णिया, अररिया और कटिहार की जूट मिलें भी बंद होने की स्थिति में आ गई है। रोहतास जिले का डालमिया नगर, जहां सीमेंट, कागज और वनस्पति के कारखाने थे, वे भी बंद हो गए। सिल्क सिटी के नाम से विख्यात भागलपुर का रेशम तथा हैंडलूम उद्योग भी बिजली की कमी, खराब कानून व्यवस्था और दोषपूर्ण सरकारी नीतियों की शिकार हो गई। यह जानकार मानते हैं कि पुराने उद्योगों के बंद होने में और नए निवेशकों के नहीं आने का मुख्य कारण लाल फीता शाही भी है। यह मामूली काम के लिए परेशानी होना पड़ता है, सिंगल विंडो सिस्टम काम नहीं करता है। नए निवेशकों की आम शिकायत रही है कि कागजी कार्रवाई में ही काफी समय निकल जाता है। जमीन मिल जाती है तो कब्जा भी मुश्किल हो जाता है, अगर कब्जा भी हो जाता है तो फिर बैंक लोन नहीं देने का हर बहाना तलाशता है। कहने का मतलब यह है कि नौकरशाही के मकर जाल में फाइलें इस कदर उलझ कर रह जाती है कि निवेशकों का धैर्य जवाब देने लगता है और वे कहीं और उद्योग लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी सी स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, तो स्वास्थ्य शरीर के लिए सभी विटामिन, पोषक तत्व और खनिज जरूरी है। ऐसे में अगर शरीर में किसी भी एक विटामिन की कमी हो जाए तो फिर आपको काफी परेशानी हो सकती है। यह फिट और स्वस्थ शरीर के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से लड़ने में भी विटामिन के जरूरी है। इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और कोविड-19 का खतरा भी कम हो जाता है। विटामिन के हार्ट और फेफड़ों की मांसपेशियों के इलास्टिक फाइबर को कम नहीं होने देता। इसके अलावा विटामिन के कई तरीके के रिस्क को कम कर देता है। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन के से मिलने वाले फायदे और कौन सी चीजों में विटामिन के पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन के कौन सी चीजों में होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपका खाना ऐसा होना चाहिए जिनमें शरीर के लिए जरूरी सभी विटामिन और मिनरल्स शामिल हो। जी आप विटामिन के कमी को अपने खान पान खुद से पूरा कर सकते हैं। विटामिन के पाने के लिए आप डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जरूर करें, जिनमें दूध, दही, पनीर शामिल है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिर आप विटामिन के से भरपूर पोर्क, चिकन, अंडे का पीला हिस्सा खा सकते हैं। इसके अलावा चीज, सॉफ्ट चीज, पालक, ब्रोकली, स्पॉट में भी अपने खाने में शामिल करें। यह इन सभी चीजों में विटामिन के पाया जाता है। अब बात करते हैं शरीर को मिलने वाले विटामिन के से फायदे के बारे में। तो हार्ट और लंग्स को सुरक्षित रखता है। यह हृदय और फेफड़े के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। इससे सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम बनता है और इलास्टिक फाइबर के कम होने से सुरक्षित रहता है। इससे फेफड़े और धमनियों में लचीलापन आता है। इलास्टिक फाइबर की कमी और इसे मेंटेन करने के बीच का बैलेंस आपके हार्ट और पल्मोनरी हेल्थ पर बहुत असर डालता है। यह कोरोना का सबसे ज्यादा असर इन्हीं दो चीजों पर सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में हार्ट और लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विटामिन के शरीर को कई तरह की सूजन बनाने वाली बीमारियों से बचाता है। विटामिन के कई तरह की सीजनल बीमारियों से भी दूर भगाता है।
दोस्तों भ्रष्टाचार पर नियंत्रण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की यूएसपी रही है। इसके तहत अब बिहार सरकार ऐसे सरकारी सेवकों पर शिकंजा कसने की रणनीति बनाई रही है जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। संपत्ति छिपाने वाले ऐसे सरकारी सेवकों पर न केवल अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनको आपराधिक केस का भी सामना करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा और खरीद बिक्री की जानकारी दिए जाने का प्रावधान सरकार द्वारा पहले से तय कर लिया गया है। यह पत्र में इस बात की चर्चा है कि 25 मार्च 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मार्गदर्शन भी जारी किया गया है। इसके बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कई स्तरों पर नहीं किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि हर साल सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सितंबर के बाद फरवरी तक अपनी संपत्तियों से संबंधित जानकारी सरकार को देनी है। अगर किसी को विरासत में भी संपत्ति मिली है तो फिर इसकी भी सारी जानकारियां सरकार को हर हाल में देनी है। दोस्तों जदयू के विधायक शशिभूषण हजारी का गुरुवार को निधन हो गया, जिन्हें उनका दिल्ली में काफी समय से इलाज चल रहा था। हजारी हेपेटाइटिस की बीमारी से पीड़ित थी और पिछले काफी दिनों से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। यह 55 साल के हजारी का गुरुवार तड़के इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। हजारी बिहार विधानसभा में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से विधायक चुने गए थे, जिन्हें वे तीसरी बार विधानसभा पहुंचे थे। उनके निधन की खबर मिलने के बाद जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। हजारी बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3 माह के अंदर बिहार में सरकार बनाने का दावा किया था, जिसमें वे कितने कामयाब होंगे ये वक्त की बात है। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है। यह बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। यह 2 दिन पहले ही उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने आगामी शनिवार को आरजेडी में शामिल होने की घोषणा की थी। यह दिल्ली से पटना लौटते ही जैसे ही सीएम नीतीश कुमार को जानकारी मिली तो सीएम नीतीश कुमार परेशान हो गए। सीएम नीतीश ने मंजीत को रोकने के लिए अपनी पूरी टीम उतार दी है। मंजीत सिंह के आरजेडी में शामिल होने की घोषणा को लेकर जेडीयू को बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषकर सीएम नीतीश कुमार के लिए यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यही कारण है कि बुधवार को पटना लौटने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले मंजीत सिंह के करीबी नेताओं लेसी सिंह और जय कुमार सिंह को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द मंजीत से मिले और उन्हें किसी भी कीमत पर रोके। नीतीश कुमार के निर्देश पर मंत्री लेसी सिंह रातों रात गोपालगंज में बैकुंठपुर में मंजीत सिंह के आवास पर पहुंच गई। वहीं पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंजीत सिंह के रिश्तेदार राणा रणधीर सिंह भी गोपालगंज पहुंचे और उन्हें नीतीश कुमार का संदेश दिया। यह बात भी कही जा रही है कि खुद नीतीश कुमार ने उनसे फोन पर बात की है, जिसके बाद वे जेडीयू में बने रहने को तैयार हो गए। मंजीत सिंह की नाराजगी तभी से मानी जाती है जब 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का टिकट उन्हें नहीं मिला और गठबंधन की वजह से बैकुंठपुर सीट भाजपा के खाते में चली गई। इस पर मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़े लेकिन उन्हें हार मिली। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सियासत में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जहां यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी की छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कवायद को भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर सहूल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर्ग पहले ही झटका दे चुके हैं। वही छोटी पार्टियों का गठजोड़ करके बनाए गए इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी के जुड़ जाने से यूपी में जाति धर्म और विशेष धर्म की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। दरअसल भागीदारी संकल्प मोर्चा में अलग अलग जाति विशेषों की राजनीति करने वाले छोटे दल शामिल है। इस मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगने की संभावना बढ़ गई है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल या फिर मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाले हो सकते हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सौगत अली ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में दावा किया है कि पार्टी ने विधानसभा सीटें चिन्हित भी कर ली है। फिलहाल इस गठबंधन को देखकर कहा जा सकता है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सूबे की जनता के सामने एक और राजनीतिक विकल्प खुल गया है। इस स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि यूपी की सियासत में AIMIM की एंट्री का कितना असर होगा। देश का तकरीबन हर सियासी दल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आपकी तरह ही भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। दरअसल AIMIM पर लगने वाले इस आरोप पर काफी हद तक वे खुद ही मोहर
दौड़ लगाते रहते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की लोकसभा सीट तक सीमित AIMIM अलग तेलंगाना राज्य बनने पर यहां की 7 विधानसभा सीटों पर लगातार 3 बार से जीत हासिल करती चली आ रही है। जी हां, 2014 के बाद मुस्लिम समुदाय की राजनीति करने वाले इस दल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और इसने अन्य राज्यों में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए। जी हां, महाराष्ट्र और बिहार में पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली सीटों पर जीत दर्ज की। जी हां, ओबीसी ने जिन राज्यों में चुनाव लड़ा वहां उनकी पसंद मुस्लिम बहुल सीटें रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक मानने वाले राजनीतिक पार्टियों का खेल खराब होने लगा, जिसकी वजह से उन पर भाजपा की बी टीम के आरोप लगते रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश में जुटी AIMIM का विजन पहले से ही साफ हो चुका है। जी हां, वही संवैधानिक अधिकारियों के जरिए शरीयत की वकालत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी देश भर में मुस्लिम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। मुस्लिमों के अधिकार पर ओवैसी के भाषण सोशल मीडिया पर धराधर शेयर होते रहते हैं और लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं। जहां तेलंगाना से बाहर AIMIM ने जिन भी राज्य में चुनाव लड़ने का मन बनाया वहां उसे कुछ न कुछ मिला ही है। जब पश्चिम बंगाल में जीत भले ही ना मिली हो लेकिन मीडिया के जरिए देश भर में पार्टी का प्रचार तो हुआ। दोस्तों, चारा घोटाले मामले में 2.5 साल तक जेल में बंद रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि राजद की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपको बता दूं कि RJD की स्थापना साल 1997 में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर की थी। यह पार्टी ने स्थापना दिवस को प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। कहा जा रहा है कि इस दिन लालू प्रसाद यादव पटना में राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। जी हालांकि सबकी नजरें उनके संबोधन से अधिक उनके उस सियासी दाव पेच पर रहेगी जो बिहार की सियासत का सत्ता समीकरण उलट पलट कर सकता है। यह दरअसल कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर लालू प्रसाद यादव को भी मालूम है कि बिहार NDA की सरकार में कमजोर कड़ी के तौर पर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी वाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल है। इन दोनों के दलों के 4-4 विधायक हैं और इनके पाले बदलने की सूरत में बिहार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने इन दोनों ही नेताओं से हाल ही में फोन पर भी बात की थी, जिससे बिहार की सियासत में उथल पुथल की अटकलें लगाई जाने लगी थी। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली आवास में स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल भी खेल रहे हैं। हालांकि हकीकत यही है कि मांझी और सहनी दोनों ही फोन पर बात होने की स्वीकार पर NDA में बिखराव की कयासबाजियों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। यह वही सत्तारूढ़ खेमे की ओर से लालू प्रसाद यादव के पटना आने को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव कितना बड़ा खेल कर सकते हैं। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि RJD नेता लालू प्रसाद यादव के पटना आने से राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया जाएगा, जहां ताकि संक्रमण के खतरे के बिना चुनाव संपन्न हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अब सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव में वोट डालने वाले वोटर्स का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से वोटरों का भी वैक्सीनेशन कराने की बात कही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी वोटरों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को चुनाव में ड्यूटी कराने वाले सभी कर्मियों और सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षा बलों के वैक्सीनेशन की बात कही गई है। एक जानकारी के मुताबिक राज्य में यानी कि बिहार में पंचायत चुनाव में वोट डालने वालों की संख्या करीब करीब 5 करोड़ के करीब है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। KAR के कई बार अपने विचार बेधड़क लोगों के सामने रखते हैं। जी इस बार एक्टर KRK ने मोदी सरकार और उनके एक मंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। जी अपनी पोस्ट में मोदी सरकार पर बिफरते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले भी 15 लाख रुपए नहीं दिए थे और अब भी नहीं, जबकि सरकार को कोरोना से मरने वालों को 15 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। जी KRK ने अपनी पोस्ट में कहा है कि मोदी जी को खुशी खुशी कोरोना से मरने वाले हर व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए था, जबकि 2014 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 15 लाख रुपए भी नहीं दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार के पास किसी को भी मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं बचा है। दोस्तों, बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही छाता, रेनकोट, वाहनों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर, ताल पट्टी की मांग बढ़ जाती है। जी हां, बिहार में इसका करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। लेकिन इस साल बारिश से बचने के लिए उपयोग होने वाली सामग्री पर यानी कि सामानों पर महंगाई का असर साफ नजर आ रहा है। सामानों के दाम काफी बढ़ गए हैं, चाहे छाता हो, रेनकोट हो या फिर प्लास्टिक कवर, सभी सामग्री यानी कि सभी सामान इस समय दोगुने दामों में बिक रही है। इसके पीछे एक कारण कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को भी माना जा रहा है। महंगाई का असर इन सभी सामग्री पर यानी
कि इन सभी सामानों पर भी पड़ा है। कॉटन प्लास्टिक के अलावा आधुनिक तरीके से निर्मित रंग बिरंगी छाते सभी उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विभिन्न डिजाइनों और रंगों के छातों को देखकर उपभोक्ता इसकी खरीद के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं, तो उसके दाम सुनते ही उल्टे पैर लौट भी जाना पड़ रहा है। जहां छातों रेनकोट के दामों में इस साल 15-20% तक की वृद्धि हुई है। दोस्तों, साहुल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में सत्ता बंटवारे के लिए अजीबोगरीब फॉर्मूले का प्रस्ताव रखा है। जहां उन्होंने कहा है कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी 10 पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा सत्ता में आती है, तो फिर हर साल एक नया मुख्यमंत्री होगा जो एक अलग अलग जाति का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि उनका मोर्चा ही जीतेगा। जहां उन्होंने कहा है कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि गरीबों और दलितों के बीच हर प्रमुख जाति समूह को सत्ता में हिस्सा मिले। मुझे खुद सभी पदों पर रहने और दूसरों को वंचित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम 2022 में सरकार बनाते हैं तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में यूपी में 5 मुख्यमंत्री होंगे। इनमें एक सीएम मुस्लिम, एक राजभर, एक चौहान, एक कुशवाहा और एक पटेल समाज से होगा। इसी तरीके से राज्य में हर साल 4 उपमुख्यमंत्री चुने जाएंगे और 5 साल में 20 डिप्टी सीएम बनेंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे मोर्चे में सभी से सम्मान व्यवहार होगा। राजभर ने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जो 10 पार्टियों का गठबंधन है, अगले साल राज्य की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा और 300 से अधिक सीटों पर जीतकर सरकार बनाएगा। जहां राजभर ने कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर के बाद मैं कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा देने वाला दूसरा व्यक्ति हूं। लोग विधायक, संसद या फिर मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं गरीबों के अधिकारों के लिए सत्ता में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के साथ लड़ता रहा। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 3 महीने में सरकार बनाने की बात ने आरजेडी नेताओं के हौसले को अति उत्साहित कर दिया है। यही कारण है कि अब वे ये दावा करने लगे हैं कि उनके लिए 3 महीने का समय भी बहुत है। हमारी पार्टी चाहेगी तो 3 घंटे में ये सरकार गिर जाएगी। ये तेजस्वी यादव जब चाहे अपनी सरकार बना सकते हैं, ये दावा किया गया है राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि वे जिस दिन जिस समय चाहेंगे ये सरकार गिर जाएगी। मौजूदा सरकार बिहार के लोगों के लिए बोझ बन गई है। तेजस्वी यादव के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपने दावे की पुष्टि करते हुए कहा है कि एक दिन पहले ही जदयू के एक पूर्व विधायक ने आरजेडी का दामन थामने की बात कही है। इसके अलावा कई मौजूदा विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। दोस्तों, पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात और उनका गुणगान करके जीतन राम मांझी जब दिल्ली गए तो उनका मिजाज फिर से बदल गया। दिल्ली में मांझी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार के शराबबंदी कानून पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की जरूरत है। दिल्ली में एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी का ना के बराबर असर है। शराबबंदी कानून के शिकार गरीब लोग हो रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर काफी पैसा खर्च हो रहा है, जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, इस कानून के शिकार गरीब लोग हो रहे हैं। जीतन राम मांझी ने फिर से कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर जितने लोग जेल में बंद हैं, उनमें 75% गरीब लोग हैं। जो गरीब जेल में बंद हैं, उनका परिवार बच्चे खाने के बिना बिलक रहे हैं। गरीबों के बारे में कहा जा रहा है कि शराब पी रहे हैं, लेकिन पैसे वाले लोग खूब पी रहे हैं। उन्हें ना तो कुछ कहा जा रहा है और ना ही किया जा रहा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।